वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का, और आज की जो मेजर हेडलाइंस हम कवर करने वाले हैं, सैमसंग ने कहा है कि वो अपने फोनों में 4 साल के लिए देंगे अपडेट। इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोनों का तो मालूम नहीं, लेकिन वीवो ने एक और फोन में दे दिया है एंड्रॉइड 11 अपडेट। इसके अलावा क्वालकॉम ने जियो के बाद अब एयरटेल का हाथ थामा है 5G के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज फटाफट। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, रुक करते हैं हमारी पहली स्टोरी का, जो हमारे पास आ रही है वीवो की तरफ से। आज वीवो ने एक अनाउंसमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि वीवो V20 SE को अब एंड्रॉयड 11 अपडेट मिल रहा है, और ये काफी अच्छी डेवलपमेंट लग रही है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे फोन हैं मार्केट में जो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आते हैं, उनके पास तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन वीवो एक के बाद एक फोन में अपना एंड्रॉयड 11 अपडेट रिलीज कर रहा है, और ये कर रहा है उनका जो फन टच ओएस है, उस वो जो उनका अपना ओएस है वो एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। और इधर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रिसेंटली वीवो ने एक और अनाउंसमेंट की थी, जहां पर उन्होंने बोला था वीवो X50 और साथ ही साथ वीवो V19 को भी एंड्रॉयड 11 अपडेट मिल गया है। अगर आप ये वाला फोन यूज करते हैं, आप बताइए आपके फोन पर ये अपडेट आया है कि नहीं आया है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि हम टेक बाय टेक के जो एपिसोड होते हैं वो लाइव करें? समझ लीजिए जैसे कि फ्राइडे को कर सकते हैं शाम को 8:30-9:00 काइंड ऑफ थिंग, कि जहां पर हम पहले 10 मिनट के लिए डिस्कशन कर लें जो भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दें अगर उस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस वाले एपिसोड में ट्राई ये करेंगे कि लाइव जाने का फायदा तभी होगा अगर आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उस टाइम पे पूछेंगे, तो आपको लगता है कि किसी चीज को हमने टच नहीं किया उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप चाहते हैं टेक बाय टेक का हम लाइव एपिसोड करें एक बार हफ्ते में, जहां पर टॉपिक एक हो, सवाल भी उसी से जुड़े हो, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने अभी तक हमारे कोई भी लाइव टेलीकास्ट देखे, कोशिश हमारी ये रहती है जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबके सब क्वेश्चंस को पिकअप किया जाए और उनका आंसर दिया जाए। रहेगा इंतजार आपके सुझावों का, आपके फीडबैक का इसके बारे में। अगर आप कहते हैं हाँ, तो कोशिश करेंगे कि इस बार का जो टेक बाय टेक एपिसोड होगा वो लाइव करें। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी है एयरटेल के साथ। कुछ समय पहले एयरटेल ने अपनी 5G को डेमोन्स्ट्रेट किया था हैदराबाद में। उन्होंने कहा था हम 5G रेडी हैं, और बोल दिया था कि देखिए हमने टेस्ट कर लिया, नेटवर्क कर लिया है, तो अब बस वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का और स्पेक्ट्रम, और हम लॉन्च कर देंगे 5G सर्विसेज। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट हुई है, क्वालकॉम ने कहा है कि हम एयरटेल के साथ हाथ मिला रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करेंगे 5G में। अब ये मत समझिए कि वो यहाँ पर उनके लिए कोई डिवाइसेस बनाएंगे या एयरटेल कोई स्मार्टफोन लाने वाला है जिसमें क्वालकॉम का चिपसेट रहेगा। क्वालकॉम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो 5G के कंपोनेंट्स होते हैं ओपन रैन और उस टाइप के, वहाँ पर क्वालकॉम ने काफ़ी काम किया है, और वो इन्हें इक्विपमेंट्स देंगे जिनके थ्रू एयरटेल अपना 5G नेटवर्क दे सकता है। और कल की अनाउंसमेंट भी आपको याद ही होगी कि जहां पर क्वालकॉम ने बोला था कि हम जियो के साथ फोन बनाएंगे, कि जो भी वो गूगल मिलके एक फोन बना रहे हैं, जब भी वो फोन रेडी होने लगा हमारे भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5G एक ऐसी चीज है जिसके बारे में क्वालकॉम पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से लगातार बोले जा रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया है, तो अब उसको लग रहा है कि भारत में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इस टाइम पे जल्दी से सबके साथ टाई अप कर लें। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने आपको स्टोरी बताई थी कि ASUS ROG 5 फोन 10 मार्च को होने वाला है लॉन्च, और तब ये क्लैरिटी नहीं थी कि भारत में भी उस दिन लॉन्च होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो इन सब के ऊपर आज लग गया फुल स्टॉप। जो रूमर्स हो रही थी कि होगा नहीं होगा, जो कंफ्यूजन भरा हुआ था, क्योंकि ASUS ने बोल दिया है कि 10 तारीख को ASUS ROG फोन 5 भारत में भी होगा लॉन्च, और ये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट में। आप में से कितने सारे लोग ASUS 5G को लेके, ASUS का जो नेक्स्ट फोन ROG 5 उसको लेके एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि देखा गया है कि मतलब ठीक है टॉप एंड फोन ला रहे हैं, वो भी पूरा गेमिंग फोकस फोन ला रहे हैं, क्योंकि उस प्राइस रेंज में जो भी उनका प्राइस रेंज होगा अगर पिछले वाले की तुलना करें तो उसमें आपको वन प्लस ही वहीं मिल जाते हैं, सैमसंग के बाकी फोन मिल जाते हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं ROG फोन 5 को लेके, एक्साइटेड हैं कि नहीं है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली न्यूज की थी कि मोटो G10 और मोटो G30 जो यूरोपियन मार्केट में हुए थे लॉन्च, और कहा जा रहा था ये फोन जल्दी भारत में आएंगे, लेकिन अब एक लीक आई है उसके मुताबिक मार्च के महीने में ये दोनों फोन भारतीय मार्केट में
दे सकते हैं 10 तक, यानी कि आप उनको खरीद सकते हैं। और इनकी प्राइसिंग की बात करें, जो मोटो G30 है, इसका कन्वर्टेड प्राइस यूरो से अगर कन्वर्ट करते हैं वो बनता है लगभग 15,900 रुपये। और वहीं अगर बात कर लें G10 के, उसका दाम पड़ता है 13,300। तो देखते हैं जब ये फोन होते हैं भारत में लॉन्च, क्या इसी प्राइसिंग के आसपास आते हैं या इससे कम में आते हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर अगर G30 के मेन फीचर्स की बात कर लें, ये जो फोन है ये बेस्ड है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर में। इसके अलावा आपको मिलता है 6.5 इंच का HD डिस्प्ले और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा 6GB का रैम। और वहीं अगर मोटो 10G की बात कर लें तो इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, 4GB का रैम, 128GB की इंटरनल मेमोरी और साथ ही साथ 6.5 इंच का डिस्प्ले। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है अमेजोन के साथ। 2020 में अमेजोन ने कहा था कि वो जो अपना डिलीवरी है, जो डिलीवरी के टीम है, उनको ई व्हीकल्स देंगे ताकि पोल्यूशन वोल्यूशन कम हो। और जो भारतीय गवर्नमेंट का ईवी की तरफ इनिशिएटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने का इनिशिएटिव है, उसको थोड़ा सा पुश मिले। और उन्होंने कहा था कि वो भारत में लगभग 10,000 गाड़ियां लेंगे। तो अब एक डेवलपमेंट आ चुकी है, उन लोगों ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ टाई अप कर लिया है अपनी वो स्कूटर्स गाड़ियां वाड़ियां लेने के लिए, ताकि जो उनकी डिलीवरी है वो ई व्हीकल्स पे होगी। और जो उन्होंने बोल के रखा था 10,000 का टारगेट सेट करके रखा हुआ था, तो उसकी बहुत सारी गाड़ियां अब महिंद्रा से आएंगी जो वो यूज करेंगे स्टेट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो डिलीवरी करते हैं लोकल डिलीवरी, उसके लिए वो ईवी यूज करेंगे। काफी अच्छी पहल है। अगर जितना हो सके जितने भी लोग डिलीवरी के साथ एसोसिएटेड, जैसे जोमैटो हो गए, अगर ये लोग भी इस चीज में अपना भूमिका निभाएं तो भारत में बहुत सारी रोडों पे ना आपको ईवी व्हीकल्स नजर आएंगी डिलीवरी करने के लिए, यानी कि खर्चा भी डिलीवरी का कम और साथ ही साथ पोल्यूशन पे भी इम्पैक्ट होगा कम। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है LG के साथ। LG ने अभी रिसेंटली कहा था कि हम शायद अपना स्मार्टफोन डिवीजन बंद कर दें या बेच दें, लेकिन भारत में देखा जाए तो फोन लॉन्च कर रहे हैं वो रेगुलरली। लेकिन इसके बीच में एक और डेवलपमेंट आ चुकी है उनके हेडक्वार्टर से, वो ये है कि LG अपना रोलेबल फोन पे काम नहीं कर रहा है, अब रोक रहा है। जिस कंपनी को उन्हें ऑर्डर दिया था BOAE, जो उनके लिए डिस्प्ले बना रहा था, उनको बोल दिया कि भैया अभी रुक जाओ, थम जाओ, हम आगे बताएंगे तुम्हें क्या करना है, लेकिन अभी तक जितना रिसर्च कर लिया बस उधर फुल स्टॉप लगा दो, और क्योंकि अभी तक हम क्लियर नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। LG का जो कंसेप्ट फोन आया था रोलेबल का, दिखने में काफी अच्छा लग रहा था, जो सुनने में आया था, लेकिन अब उस पर लग चुका है फुल स्टॉप। अब देखते हैं आगे आने वाला सफर कैसा रहता है LG का, क्योंकि हमने LG से बात करने की कोशिश भी की और जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या आप फोन बंद करने वाले हो, करोगे और नए लॉन्च की नहीं करोगे। उन्होंने कहा इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं बता सकते, जो आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनली उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है, यानी कि LG की हिंदुस्तानी टीम और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दोनों बराबर की बराबर है, लेकिन आपको ही मालूम है ये बात सच नहीं है, कहीं ना कहीं कोई चीज खिचड़ी पक रही होगी। तो करते हैं इंतजार, देखते हैं खिचड़ी कैसी पकती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है नेटफ्लिक्स के साथ, और उन लोगों ने एक नई सर्विस लॉन्च कर दिया है, डाउनलोड फॉर यू। बेसिकली ये होता है कि पहले जो उनका डाउनलोड वाला ऑप्शन था वो क्या करता था, जो भी आप सीरीज देख रहे हो, एक सीरीज एपिसोड देख रहे हो, उसका अगला एपिसोड वो डाउनलोड कर लेता था, ताकि आपको बार बार डाउनलोड ना करना पड़े और लाइव स्ट्रीमिंग ना करनी पड़े, एक ही बार में झंझट खत्म। लेकिन अब ये लोग ये फंक्शनैलिटी मूवीज में भी और बाकी चीज़ों में भी एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन, वो आपका जो नेटफ्लिक्स है आपकी हिस्ट्री देखेगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, कौन से टाइप के कंटेंट आप देखते हो, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा आपके फ़ोन में। तो उससे क्या होगा, कभी भी आप ऐसे जोन में होंगे जहाँ इंटरनेट नहीं है और बोर हो रहे हैं और मूवी देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो कि खाली लिमिटेड नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग सीरीज आप देख रहे हो, बल्कि नई मूवीज़ भी करेगा और नई सीरीज़ भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो फंक्शनैलिटी जो फीचर है, ये खाली अभी एंड्रॉयड इकोसिस्टम पे, यानी कि अगर आप एंड्रॉयड पे नेटफ्लिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। iOS वालों को करना पड़ेगा इंतज़ार, तो थोड़ा आराम से बैठिए, आ जाएगा, उन्हें कहा है कि आएगा, कब तक आएगा उसका कोई अपडेट नहीं है। सैमसंग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, उन्होंने कहा है कि कमिटमेंट दिया है लोगों को कि हम 4 साल तक अपडेट्स देंगे अपने फोनों पे। तो यहाँ पर OS से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि OS के बारे में उन्होंने लास्ट ईयर एक अपडेट जारी किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे फोन में 3 साल तक OS अपडेट मिलेगा। और ये जो अपडेट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सिक्योरिटी अपडेट, पैच अपडेट जो आते हैं, महीने के महीने आते हैं या क्वार्टरली आते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि भैया देखो हम बहुत इस मार्केट में, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि कौन कौन से सीरीज में मिलेगा, ये आपको मिलेगा Z सीरीज, S सीरीज, नोट सीरीज,
नोट सीरीज का भी नाम लिया है उन लोगों ने भाई दिवे, साथ ही साथ ए एम और साथ ही साथ टैब सीरीज, यानी कि सब जितनी मेजर सीरीज है उन सब में ये कवर्ड है। यानी कि इस साल जितने भी फोन उन्होंने लॉन्च किया या फिर पिछले साल भी जितने फोन लॉन्च किए थे सब में आपको मिलेगा 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट का कमिटमेंट। अब देखते हैं ये वादा पे वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास सैमसंग से जुड़ी एक और खबर है। आज सैमसंग ने भारतीय मार्केट में एक नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया। ये उनका जो 5-in-1 वाली सीरीज है उसके अंडर आती है ये फ्रिज, और इसका जो दाम है वो है 17,990 रुपये और से स्टार्टिंग होता है। इसमें दो सीरीज मिल रही है, मतलब दो कैपेसिटीज मिल रही है आपको। एक रेफ्रिजरेटर आपको मिल रहा है 198 लीटर्स का और दूसरा मिल रहा है 225 लीटर्स का। ये एक नया सीरीज, मतलब एक नया वेरियंट उन्होंने लॉन्च किया 225 लीटर्स का, क्योंकि ज़्यादातर ये वो लोग 198 के इसमें लॉन्च कर रहे थे। और कहते हैं कि इसमें जो डिजाइन है, पैटर्न है, काफी बढ़िया है, देखने में फ्लोरल डिजाइन्स हैं और पावर एफिशिएंट है। ये तो यूज करने के बाद ही पता लगेगा कितना इन दावों में हकीकत है, लेकिन फिलहाल के लिए एक रेफ्रिजरेटर तो लॉन्च करते हैं। यानी कि इससे तो समझ में आ रहा है कि गर्मियां नजदीक आ रही है, रेफ्रिजरेटर्स की अनाउंसमेंट आने लग गई है। थोड़े दिनों में आपको ना एसी की अनाउंसमेंट भी आने लगेंगी, जहां पर डिफरेंट कंपनीज अपने एसी लॉन्च करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर है MobiKwik के साथ। वो लोग ई वॉलेट देते हैं और आज उनके बहुत सारे यूजर्स को लगा होगा झटका। क्यों लगा होगा? उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारा वॉलेट यूज करते हैं और बहुत टाइम से इनएक्टिव है, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे हैं वॉलेट में, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो लगाने वाले हैं फाइन। और ये जो फाइन है ये 100 रुपये से 140 रुपये तक का होगा। यानी कि अगर आपने MobiKwik का वॉलेट रखा हुआ है और यूज नहीं कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करके बस इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो बेटर है उसको डिलीट ही कर दीजिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है किसी वॉलेट कंपनी ने ऐसा कदम लिया है। और इसका जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि वॉलेट मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, इसीलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो अजीब सा स्टेप लग रहा है, क्योंकि एज सच ऐसी कभी भी कोई डेवलपमेंट किसी भी वॉलेट कंपनी के जरिए हमने हिंदुस्तान में भी नहीं सुनी और बाहर भी नहीं सुनी। इससे लोगों के बीच में कुछ जरूर होगा अगर उनका ऐप थोड़ा बहुत भी यूज करते हैं, ये सुनने के बाद शायद उन्हें ये बुरा लगे। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज। फटाफट में आपको आज की न्यूज बुलेटिन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।